उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की शव बाजरे में खेत में पड़ा मिला। वहीं ग्रामीणों व परिजनों ने लड़की की हत्या कर शव फेंकने की बात कही है। घटना की जानकारी लेते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही SP ने पैनल के साथ वीडियोग्राफी कर पोस्टमार्टम कराने की बात कही, जबकि परिजनों ने किसी पर शक जाहिर न करने की बात पुलिस से कही है। वहीं गाँव में हुई इस घटना के बाद से तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। क्या नाम है? काम था बस सर। जो आपके कहानी जो मामला हुआ, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये था, सुनने में आया कि लड़की सौंस के लिए निकली थी आज सुबह 7 बजे, तो जब देर तक घर पे नहीं पहुंची है तो उनके घर वालों को पता चला कि लड़की अभी तक घर पे नहीं आई है। इसके बाद उनके मम्मी पापा शायद चुपचाप लड़की को ढूंढते रहे, ठीक है, तो उसको उन लोगों को नहीं मिली लड़की। इसके बाद क्या नाम, जो कुछ छोटे छोटे गांव के बच्चे होते हैं, मोर के पंखा वगैरह बीनने जाते हैं, तो वहां पे लड़की बच्चे बाजार में घुसे तो वहां पे क्या नाम, उस लड़की की मिट्टी डली हुई मिली। अब ये नहीं पता है कि किसने उसका रेप किया है। उसको वहाँ पे बाहर से लड़की ने बाहर शायद सोच की, इसके बाद बाहर बाजरा के खेत में उसको दुपट्टे में फंदा लगा के अंदर को कड़ो ले गई। नाम और किस क्षेत्र की घटना है? लगभग 10 बजे के करीब आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई, थाना दिव्यापुर अंतर्गत एक लड़की का शव मिला है, 17-18 साल के बीच में कुछ उम्र है इसकी, अभी वो सर्टिफाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि 7:30 बजे ये शौच करने गई थी, जब 1 घंटे तक लौट के नहीं आई तो उन्होंने तलाश किया तो एक बाजरे के खेत में इसकी बॉडी मिली है, और तत्काल मौके पर थाने की टीम, फॉरेंसिक टीम, मैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स गए हैं, मौका मुआयना कर लिया गया है, बॉडी को भी देख लिया गया है, प्राइमा फेसाई कोई जाहिरा चोट उसमें दर्शित नहीं हो रही है, और बाकी जो भी पीड़ित परिवार को शक है कि इसके साथ रेप और मर्डर किया गया है, इसमें सभी आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और पैनल में पोस्टमार्टम कराने के लिए, वीडियोग्राफ पोस्टमार्टम कराने के लिए बात करी है। शीघ्र पोस्टमार्टम करा के तहरीर जिस पर भी यदि शक है, वैसे शक जाहिर नहीं किया जा रहा है किसी पर भी, परिवार का कहना है कि किसी से फ़ोन पर बात नहीं करती थी, घर में एक ही फ़ोन था, तो जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे अभी पंजीकृत किया जाएगा, शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरे स्तर से 10 टीम बना दी गई हैं, जिसमें SOG को और सर्विलांस को, पता रशी सुराग ऋषि के लिए भी, और थाने से भी टीम्स लगाई गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पाल जुड़ गए हैं औरैया से। शिवम, औरैया जिले से एक मामला सामने आया जहां पर लड़की की हत्या करके शव बाजरे के खेत में फेंक दिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सर, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ये मामला आज सुबह 7:30 बजे का था, जो कि घर से पहुंच क्रिया के लिए एक युवती निकली थी और लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद घर पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद में खोजबीन की गई लड़की की, तो बाजरा की खेत में उसका शव बरामद हुआ है। वहीं भी परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक जांच पड़ताल में जुटी है। जी सर, शिवम, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम।